तो जेल से बाहर आने के बाद ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। ओपी चौटाला ने कहा कि हमारा संगठन कमजोर नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं से आगे की बातचीत की जाएगी। बता दें कि ओपी चौटाला 14 दिनों की फरलो पर बाहर आए हैं। इस दौरान ओपी चौटाला ने परिवार में दो फाड़ होने के सवाल पर कहा कि ये हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जो जीत के आए हैं उनको क्या पता था कि वो जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी लीडरशिप आज भी कायम है, मेरा कार्यकर्ता निराश नहीं है। ओपी चौटाला ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछले 5 साल में जनता को इस सरकार ने ठगा है, फिर से इनकी सरकार बनी है, देखते हैं क्या होता है। संगठन का आदमी हूँ, मेरा संगठन कमजोर तो नहीं है। वोट की बात छोड़िए, आप नेतृत्व गया कहाँ था, यही है। मेरी लीडरशिप तो कायम है, मेरे मेरे कार्यकर्ता जो है वो कभी निराश और हताश नहीं होते, वो हर वक्त फॉर्म में रहते हैं, जोश में रहते हैं। इसका मैं क्या जवाब दूँ, सारे देश का सत्यानाश नहीं हो रहा? जो जीत के आए हैं क्या उन्होंने सोचा था कि तुम्हें इतने वोट मिलेंगे? ये तो पता नहीं लोगों की क्या सोच रही है, क्या हुआ है। अभी अनेक अनेक किस्म की बातें चल रही हैं, कोई कहते मशीनों में गड़बड़ थी। ठीक है, लोग गुमराह हुए हैं। इससे अब नई सरकार क्या करेगी? इस सरकार ने पिछले 5 साल में तो मुल्क को बर्बाद करने के अलावा कोई काम किया नहीं। अब इनसे ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि ये अच्छा काम करेंगे। अगर अच्छा करेंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे।